इंडिया में ही आए हो। कल वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड ये वीडियो मंडे को जाएगा, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर टेलिंग कि 18 को गणेश चतुर्थी है। बहुत जन बोल रहे थे नहीं 19 को है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेशी हिंदू मंदिर है ना, जहाँ पे हर साल ही लगभग हम लोग जाते हैं दुर्गा पूजा में, तो यू नो जो पूजा वो लोग का होता है ना, दे सेंड अस मेल। तो वो लोग ने मुझे मेल किया कि 19 को गणेश चतुर्थी है, एंड जैसे मैं बोल रही थी ना 18 को विश्वकर्मा पूजा है। देन मेनी ऑफ यू आर सेइंग कि विश्वकर्मा पूजा संडे को है। जो भी हो, एवरीथिंग इज रियली कन्फ्यूजिंग। तो मुझे लगा कि चलो हम लोग 19 को ही करते, एंड मेरी सासू माँ भी 19 को ही कर रही है, तो 19 को हम लोग गणेश चतुर्थी कर रहे हैं। बट आई नो मेनी ऑफ यू आर डूइंग ऑन 18, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी मैं पार्क में आई हूँ अपने दोनों बच्चों को लेके। I could sit around and wait all day. And abhi time ho raha hai. Chaliye thoda zoom karte hai. It is 10:05. And thank you so much. Aap sabko mera Q&A bahut pasand aaya. And aaj hum log ja rahe hai Ganesh Chaturthi ka शॉपिंग करने, पर वही हम लोग को न्यू जर्सी ओकरी रोड पे जाना पड़ेगा। एंड यू नो इट टेक्स अराउंड 1 आवर, बट कोई बात नहीं, नहीं तो वहाँ पे नहीं जाएंगे ना। तो यहाँ पे वी वॉन्ट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली मैंगो लीव्स एंड ऑल कभी कभी नहीं मिलता। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी निकल जाएंगे। एंड ये आई वॉन्ट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू, मैंने बहुत बार बोला है ना मैं कि मेरा ना कभी भी लाइक बॉडी में ना इतना ज्यादा हेयर एंड ऑल नहीं है, हर वक्त सही ना, लाइक मेरी मम्मी का भी ऐसा है, बहुत ही कम हेयर है। तो जो लोग इतने ज्यादा हेयर नहीं है, एंड समर टाइम अब देखेंगे क्योंकि मैं फ्रॉक पहनती हूँ ना, तो बुरा लगता है, यू नो लेग्स में थोड़े बहुत हेयर तो होते हैं। तो जो लोग कि मेरे जैसे ना ज्यादा हेयर नहीं है ना, यू कैन गेट दिस वन, दिस इज सो गुड यार। इसका नाम क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, आई थिंक सो यार, सीधा अच्छा हुआ लगता है, पूप कर रहा है, मेरा लाइफ से पूप ही पूप हर वक्त, वही एक टेंशन। तो दिस इज आई थिंक सो ये $9 है, एंड आपको ना ऐसा लेके सिर्फ रब करना है। पहले मैंने खरीदा ना, मुझे लगा यार क्या काम और करेगा, देन आई स्टार्टेड रबिंग ना, फिर मैं देख रही हूँ हाँ हेयर निकल के आ रहा है, लाइक अपने आप ना हेयर निकल जाता है। एंड आफ्टर दैट ना लाइक यू हैव टू अप्लाई सम मॉइस्चराइजर, नहीं तो कोई ऑयल। तो सिद्ध का जो ऑयल था मैंने थोड़ा लगा दिया था, बट इट इज़ टू गुड। पर हाँ डेफिनेटली जो लोग के बहुत ज़्यादा हेयर है वो काम नहीं करेगा। मैं देखती हूँ इसका नाम क्या है, क्रिस्टल हेयर इरेजर। सो इसका नाम है क्रिस्टल हेयर इरेजर। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे एक चीज सजेस्ट करना ना, वी शुड मेक सी टू वेयर शू, राइट? मेरे जब मैं इंडिया गई थी ना, माई मम्मी यूज टू गेट सो इरिटेटेड, मम्मी यार बोलते कैसा है, शू नहीं पहनाते हो, शू नहीं पहन, तब तो वो नहीं चलता था, बट अभी यू नो वी शुड मेक हिम वेयर शू ना। आप लोग बताना ना कमेंट पे, क्योंकि शीत को ना सॉक्स पहना और निकाल देगा, टोपी पहना और निकाल देगा, विद शू ऑल्सो इज द सेम। शौमिक बोल रहे नहीं, इट सीम्स व्हाई नो शू, व्हाट इज हियर? शौमिक बोल रहे फूट अभी तक स्ट्रांग नहीं है, यू नो स्ट्रांग हो जाए घर में, नहीं यू नो जब बाहर जाए। एंड मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली ओकट्री रोड में ना जितने भी अब आसपास में द हाउसेस यू विल सी ना, सभी में इंडियंस रहते हैं, लाइक बहुत ही कमले से, लाइक अब देखेंगे भी ना आपको ऐसा लगेगा कि अब इंडिया में ही आए हो, लाइक ऑलमोस्ट सभी घर में इंडियंस रहते हैं। तो पहले चलिए पेट पूजा करते हैं, एंड आज ज़्यादा कुछ नहीं खरीदेंगे, मोस्टली पूजा रिलेटेड आइटम्स ओनली वी विल बाय। एंड फर्स्ट हम लोगों ने मिर्ची भाजी लिया था, एंड दिस इज़ सो टेस्टी, एंड फॉर सीध वी टुक इडली, ऐसे कुछ डिप एंड ऑल नहीं किया। पर राय बोल रही थी मम्मी थोड़ा थोड़ा डिप करो, इतना ज़्यादा तीखा एंड ऑल नहीं था, बट दिस मिर्ची भाजी इज अ मस्ट ट्राई। एंड देन राय टुक पाव भाजी, मुझे लगा साउथ इंडियन यू नो रेस्टोरेंट है, पाव भाजी इतना अच्छा नहीं होगा, बट इट वॉज गुड। एंड दिस पूरी इज सो टेस्टी, स्पेशली द सब्जी ना, आलू की सब्जी जो वो लोग देते हैं।
Mom, did you like the food? Yes. Tomek, how is it? So अभी हम लोग पूजा हट आए हैं, मैं राय जा रहे हैं, वो लोग को पीछे में पार्किंग मिला. सैटरडे ना इट्स रियली क्राउडेड, पर हाँ एक बार यहाँ पे आ जाओ ना तो यू विल गेट एवरीथिंग. उसके बाद हम लोग आ गए पूजा हट, एंड पूजा हट आके ना ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया आ गई हूँ. इट वॉज द सेम फेस्टिव वाइब, लाइक अंदर में इतने सारे लोग थे, एंड फॉर गणपति यू नो दे वर सेलिंग लाइक सब कुछ मिल रहा था, कपड़ा से लेके फिर ऑर्नामेंट्स, एंड बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत गणपति जी भी थे. जस्ट देखिए ये वाइट वन इतना खूबसूरत लग रहा था, एंड एक बड़े बप्पा थे, इट वॉज ब्यूटीफुल. मेरा जो घर का मंदिर है ना, क्योंकि बहुत जन आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने इसी शॉप से खरीदा था, यानी पूजा हट से खरीदा था. एंड यहाँ पे ना जो मंदिर है लाइक द क्वालिटी इज ऑसम, एंड पर आज ऐसा लग रहा था ना कि इंडिया में यू नो फेस्टिव सीजन में शॉपिंग करने चले गए. तो अंदर में इतना अच्छा लग रहा था ना, टोटली फेस्टिव माहौल है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक्चुअली मैं स्वामी को बोल रही हूँ, चलो ना एक बार यू नो लेट्स परचेज यू नो बड़े बड़े गणपति. और जन आप लोग पूछते रहते हैं कि स्पेशली मैं मी लाइक फिश एंड ऑल कहाँ से हम लोग लाते हैं, तो हम लोग यहाँ से लाते हैं. दिस इज द एशियन ग्रॉसरी स्टोर, बट एक्चुअली इट इज ए बांग्लादेशी स्टोर, नॉट फिश एंड ऑल. स्पेशली यू नो दो दही, फिर जो मिठाई लाते हैं बंगाली, ये ना आपको लास्ट में फ्रोजन सेक्शन में जाना पड़ेगा, एंड वहाँ पे यू विल गेट ऑल द बंगाली स्वीट्स एंड ऑल. तो आज ग्रॉसरी स्टोर में भी बहुत सारे बंगाली साग थे, तो वही मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, क्योंकि मैं ना इतना साग एंड ऑल नहीं खाती हूँ. एंड व्हाट साग इज दिस, ये है पुई साग. एंड फिर हम लोग दिस इज आई थिंक सो चौपाटी गए, तो वहाँ पे गोला मिल रहा था, तो मैंने राय को भी चखाया, इट वॉज रियली टेस्टी. तो फिर घर जाने का टाइम हो गया, जाते वक्त भी सिद्ध फुल सो गया रस्ते पे. फाइनली घर पहुंच गए, एंड सेठ जाते हुए भी फुल सोया, आते हुए भी फुल सोया. हाँ चलिए अभी जाके मेन काम स्टार्ट होगा. तो अभी मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, एंड रैक्स को भी ले लिया, क्योंकि घर में सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डिश वॉशिंग डिटर्जेंट, वो नहीं है तो सीट का बोतल कैसे वॉश करेंगे. यस श्योर, देयर इज नो स्पेस ओनली. ओके तो CBS चले जाएंगे, क्योंकि सिद्ध का मिल्क भी चाहिए, तो साथ में रैक्स भी जा रहा है. एंड लेट मी सी, सिद्ध का मिल्क ही नहीं है, सी दिस वन इज एम्प्टी, यहाँ पे ही रहता है. तो फ्लॉप हो गए, सिद्ध का मिल्क CBS में मिला ही नहीं, तो सामने में एक्ने है, तो मैंने राय को बोला वहाँ पे जाके देखो, एंड मैं कार लेके आती हूँ. राय रहती है ना, तो बहुत अभी लाइक इन दिस स्टेज ना मैं बोलूंगी गर्ल्स आर लाइक योर फ्रेंड, मोस्ट मम्मीज कैन अंडरस्टैंड, पर जब राय चली जाएगी और कितना ही साल या 3 years, आई मिस हर सो मच. तो ये सारे फ्लावर्स ना फॉल में आते हैं, मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है. ओह माय गॉड, दिस चिलीज आर सो गुड, ये चिलीज इतने अच्छे लग रहे हैं. शुड आई गेट? यस. एंड काफ़ी लेट हो चुका है, नाउ द टाइम इज 7:30, एंड अभी ना विद इन 10 minutes से ना अंधेरा हो जाएगा, तो हम लोगों को लगा चलो रैक्स को थोड़ा घुमा लेते हैं. अभी घर में जाने के बाद इमीडिएटली आई चेंज माई ड्रेस, सिद को कुछ खिलाऊंगी, फिर सारा सामान रखना है, रात के लिए डिनर बनाना है, जो भी हो टुडे आई एम रियली हैप्पी. पूजा के लिए जो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, कुछ और टेंशन नहीं है. चलो मामा लेट्स. अभी 8 बजने वाला है, एंड चलिए किचन में चलते हैं. सो दिस आर द थिंग्स विच आई गॉट, दिस इज मिष्टी दोई, ये सब छोटा छोटा ना हांडी में आता है, लाइक बहुत ही छोटा टाइप आता है, सो आई गॉट 3 only, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खाएंगे. एंड ये स्पेशली पूजा में देने के लिए, ये तो फ्रीजर में रखने के लिए. फिर ये है काला जाम, इफ़ यू लाइक बंगाली मिठाई ना, वहाँ पे बहुत लाइक ऑथेंटिक बंगाली मिठाई यू विल गेट, ये सब मैं पूजा में दूंगी. देन दिस इज नोन एज पुली पीठा, तो ये भी पूजा में देने के लिए यू नो भोग में.
फिर ये बिस्किट एक्चुअली बहुत टेस्टी है. दिस वन लास्ट टाइम ऑल्सो आई गॉट, तो इस बार मुझे लगा चलो लेट मी गेट दिस बिस्किट. एंड ये रहा हम लोगों का फुलका, दिस वन वी गॉट 4. फिर ये रहा भिंडी जो मैं आज बनाऊंगी. फिर माई हल्दीराम का पनीर, ये मुझे चाहिए है बिकॉज राय को पनीर बहुत पसंद है. एंड पनीर रहता है तो लाइक इट बिकम्स लिटिल बिट ईजी राइट. सो आई गॉट 4, लाइक 5 होगा क्योंकि इसमें 2 है. फिर ये रहा करी लीव्स, वहाँ का एक्चुअली करी लीव्स अच्छा मिलता है, ऐसे बहुत छोटे छोटे हैं करी लीव्स. फिर ये रहा पान, ये मैं पूजा में दूंगी, वो गणेश पूजा में यूनिट पान. फिर इसको ना पुई शाक नहीं, इसको लाल साग बोलते हैं क्योंकि ये रेड कलर का है. ये मैं कल बनाऊंगी, तो आज रात को मे बी मैं कट करके रख दूंगी. आज वहाँ पे बहुत सारे साग मिल रहे थे तो स्वामी को ये लाल साग बहुत पसंद है, फॉर दैट आई गॉट. फिर ये करछी, ये भगवान लाइक मेरे भगवान के बर्तन के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि मेरे सारे भगवान के बर्तन ना यहाँ पे रहते हैं. और एक पैकेट बिस्किट, उसका एक कॉर्नफ्लावर ख़त्म हो गया था. देन ये ग्रेटेड कोकोनट, ये भी यू नो भोग बनाने के लिए, मोदक बनाने के लिए. मेरे पास राइस फ्लावर ऑलरेडी है. एंड होपफुली इस बार मैं अच्छी तरीके से यू नो पूजा जैसा मैं सोच रही हूँ ऐसे कर पाऊँ, बिकॉज अभी सिद्ध बहुत नॉटी भी हो चुका है. एंड हाउ वन मोर थिंग, ये जो नींबू है ना, ये कोई सिंपल नींबू नहीं है. इस नींबू का नाम है गंधराज लेबू, मतलब इस नींबू का एरोमा इज टू गुड. लाइक कोलकाता में अभी तो कितने सारे रेसिपीज है यू नो, गंधराज मोमो, देन गंधराज चिकन, लेबू चिकन, लाइक इसका एरोमा इज टू गुड. पर कितना लिया दोनों मिला के, इट वॉज $6, $6 यानी कितना होगा, आई थिंक सो अराउंड $6 यानी अराउंड 400 या 500 रुपीज़ में बोलूँगी दो नींबू का प्राइस. पर ये सब यहाँ पे कभी भी नहीं मिलता है. एंड दिस इज़ समथिंग ना अभी शायद बैंगलोर में मिलता होगा, पहले ये सब बैंगलोर में भी नहीं मिलता था. तो यहाँ पे सिद्ध के लिए ब्रोकली है, ऐसा नहीं खिलाऊंगी यू नो, मैं छोटा छोटा ऐसा दे देती हूँ एंड वो खा लेता है, बट ही डोंट लाइक द स्टेम्स. मुझे एक्चुअली ब्रोकली के स्टेम्स बहुत पसंद है, मुझे ये फ्लावर बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो आई गॉट भिंडी, तो मुझे लगा कि चलो भिंडी भाजी बना देती हूँ एंड उसके साथ रोटी, सिंपल डिनर. और क्या बनाए, अभी एक्चुअली काफ़ी लेट हो चुका है तो भिंडी मैं बहुत ही इजी तरीके से बनाऊंगी. एंड अभी तक हम लोगों ने चाय भी नहीं लाइक शाम का चाय भी नहीं पिया है, तो वहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दिया है. तो भिंडी में ना आई विल ऐड सम, मेरे पास अचार मसाला है, वो शाह का अचार मसाला है, वो काफ़ी टेस्टी लगता है. पर हाँ रात में अगर डिनर भी ना करूँ मुझे चलेगा, पर डेफिनेटली आई नीड शाम का चाय. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अचार मसाला ऐड कर दिया ताकि थोड़ा चटपटा हो. तो शाम का चाय हम लोग रात के 9 बजे पी रहे हैं, मैं बोलने वाली थी खा रही है, पर दैट्स फाइन. ये शॉमिक के लिए, मुझे लाइक शाम का चाय चाहिए, चाहे वो शाम में हो या रात में हो. तो सिद्ध का भी डिनर खाना ख़त्म है. सिद्ध बहुत ही गंदा करता है उसका टेबल, बट हाँ एक अच्छा चीज़ है कि उसका टेबल बहुत इजीली साफ हो जाता है. तो अभी शौमिक सिद्ध को नहलाने लेके गए हैं, बट हाँ सोता सिद्ध लाइक ही नीड्स मी वाइल स्लीपिंग. तो वही मैं जल्दी जल्दी ना मैं किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ एंड मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है, शौमिक ने भी नहीं किया है. तो शौमिक इसलिए कि पायल तुम डिनर करके फिर तुम आ जाओ. एंड मुझे लगा कि मैं वैक्यूम भी कर देती हूँ, बिकॉज अगर सिद्ध सोए ना वैक्यूम करते हैं ना, ये वुडन घर होता है ना, तो इट मेक्स ए लॉट ऑफ साउंड. एंड मुझे लगा बर्तन क्योंकि ज़्यादा नहीं है, अभी मैं दिन में ना 2 times डिशवाशर यूज़ करती हूँ तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं. तो चलिए डिशवाशर को भी ऑन कर देते हैं. एंड मैं आज सोच रही हूँ कि सिद्ध को सुला के फिर मैं ऊपर आऊँगी. सो नाउ द टाइम इज 10:10 एंड किचन इज नीट एंड क्लीन. तो अभी मैं जा रही हूँ सिद्ध को सुलाने. एंड सिद्ध वॉज सो टायर्ड, तो जाते ही थोड़ा लेट भी हो चुका था, तुरंत वो सो गया.
तो अभी मैं सिद के थोड़े बॉटल्स वॉश करके रख दूंगी, पर क्योंकि अभी वो मिल्क सिर्फ दो टाइम लेता है, स्पेशली रात को सिद को मिल्क चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा बॉटल्स भी नहीं होते हैं। बट हाँ, जो लोग के बेबी होने वाले हैं ना, और यू नो इफ़ यू अगर आपके बेबी फार्मूला लेते हैं, यू कैन बाय दिस स्टेरलाइजर, इतना बेहतरीन है। एंड अभी मैं साग कट कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं साग लाती हूँ देन मैं चॉपिंग करके यू नो फिर बनाओ तो आलस लगता है एंड मैं साग खराब ही हो जाता है। तो मुझे आज लगा कि नहीं, मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, आई वॉन्ट वॉश, कल सुबह मैं वॉश करूँगी। एंड मेरे पास ना ये चॉपिंग बोर्ड था, कभी यूज़ करना ही नहीं हुआ। एंड शौमिक ने बोला है कि कल वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि लंच में वो सिर्फ लाल साग खाएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट नहीं, कुछ नहीं, ओनली लाल साग। लाल साग तुमको खाना ही पड़ेगा अभी, कल लाल साग का डे। अच्छा, चलिए एवरीवन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड अभी ना हम लोग के यहाँ पे धीरे धीरे इट स्टार्टेड गेटिंग कोल्ड। एंड सच्ची बात बताओ, मुझे ना जब ये ठंडी होता है ना, मुझे सोने में काफ़ी मज़ा आता है। एंड मैं काफ़ी सुबह उठ गया, वोकअप एट 6 o'clock। अभी ना एक आदत हो गई, स्पेशली जब से राय का स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो 6:30 को ही ना मैं जग जाती हूँ। सो नाउ द टाइम इज 7:10। आई शेयर विद ऑल ऑफ यू कि मैंने क्या क्या खरीदा है। पर सच्ची कल यहाँ पे जाके ना, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ना फेस्टिवल के टाइम में वी वेंट टू ए प्लेस यू नो जहाँ पे सब लोग आते, ऐसा लग रहा था ना कि इंडिया में पहुँच गए। लाइक जो अंदर का माहौल था ना, इट वॉज टोटली लाइक इंडिया। तो वहाँ पे ना काफ़ी सुंदर सुंदर लाइक विद लाइक छोटा जैसे कि बैकड्रॉप रहता है ना, ऐसे आसन टाइप मिल रहे थे, पर मैंने यही एक खरीदा है। ये काफ़ी अच्छा है एंड ये परफेक्ट है, यू नो पापा को मैं यहाँ बैठाऊँगी एंड साइड में यू नो आई कैन डेकोरेट इट नाइसली। तो मैंने ये खरीदा है। नीड घास, राइट, सूखा हुआ घास चाहिए पापा के पूजा में। गणेश पूजा में ना कभी भी तुलसी नहीं देते हैं, तो सूखा हुआ घास चाहिए। तो ये सब जैसे वो हम लोग माला बनाते हैं, तो ये आज ही शौमिक बना के रख देंगे ये बिछाने के लिए। यू नो इसके ऊपर में मैं ये रखूँगी लाइक सामने में जहाँ मैं घट रखते, क्योंकि हर साल ही मैं नया खरीदती हूँ। तो आई गॉट दिस वन एंड दिस वन वॉज ओनली $5। ये एक छोटा बप्पा के लिए, लाइक अगर आप बड़ा गणपति लेना, यू कैन फुल्ली डेकोरेट इट ऐसा, यू नो वो पहनाते हैं ना बप्पा को, तो उसके लिए। या देन वी टुक वन स्मॉल नेकलेस, और कुछ था, फिर ये बप्पा का मुकुट, फिर दिस इज सो क्यूट सी, ये पप्पा का हाथ में पहनाने के लिए बैंगल्स। सो नाउ इट इज 7:20 ही, एंड चलिए इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं। एंड अभी ना लिविंग रूम में मैं कुछ भी साफ नहीं करूँगी, बिकॉज ये जो एरिया है ना डाउन, दिस इज़ आवर बेडरूम, तो यहाँ पे कुछ भी करूँगी ना तो नीचे बहुत साउंड होता है। एंड बहुत ही प्यारा मौसम है। एंड डेफिनेटली जो लोग ओक ट्री रोड में रहते हैं ना, सभी लोग बोलते लाइक वेन एवर आई गो देयर आई मीट सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, सो मेनी ऑफ यू, एंड मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड सब लोग सेम ही चीज़ बोलते हैं कि पायल यहाँ में इंडिया बहुत कम मिस करते, बिकॉज दैट इज़ टोटली लाइक इंडिया। अभी थोड़ा बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव तो होगा यू नो, इंडिया का जो भी सामान है आपको यहाँ पर मिल रहा है, बट हाँ एट द एंड ऑफ द डे यू कैन गेट इट। जैसे कि वहाँ पर ना आई थिंक सो 2-3 गणपति पूजा होता है, हम लोग एक बार गए थे, लाइक बहुत बड़ा एक गणपति पूजा होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको भी व्लॉग पसंद आया है। एंड जाने से पहले और एक बार हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।